cleaning utensils यानी कि आपकी मम्मी अपने बर्तन धो रही है किचन में, तो उन्हें क्या चाहिए? क्लीनिंग वाटर चाहिए। तो इस तरह से क्लीनिंग यूटेंसिल्स के लिए भी हमें वाटर की आवश्यकता है। नाइन सिक्स क्या है? पुटिंग आउट फायर। आप देखते हैं फायर मैन जब आते हैं तो क्या होता है, वो फायर ब्रिगेड आती है वो आग को बुझाने का काम करती है। जब भी जहाँ भीषण आग लग जाती है जिसे बुझाना आसान नहीं होता है, तो जो हमारे फायर ब्रिगेड्स आते हैं वो अपने टैंकर में भी एक सारा पानी लेके आते हैं ताकि उस फायर को बुझा सकें। ऐसे आपने देखा डिफरेंट यूज ऑफ वाटर। आइए पढ़ते हैं सोर्स ऑफ वाटर के बारे में। आप जानते हैं मेन सोर्स क्या होता है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारी धरती पे पानी का मेन सोर्स माना गया है बारिश को, ठीक है? इट फिल्स रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। ये बारिश का पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है? आपकी लेक्स में भी, झील में, रिवर में, नदी में, पॉन्ड्स यानी तालाब में, स्ट्रीम्स यानी झरनों में आप देखते होंगे। इतना झरना से भी ढेर सारा पानी निकलता है। ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल सोर्सेस है, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर। अब आपको पढ़ना है और भी सोर्स है, जैसे कि आप अंडरग्राउंड वाटर का भी यूज करते हैं। कुछ पानी हमारे धरती के अंदर चले जाते हैं, कुछ पानी को हम निकालने के लिए हैंडपंप, वेल, नेट, ट्यूबवेल का यूज करते हैं। आप फिगर देख सकते हैं पेज नंबर 35 पे। अब आते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए। क्लीनिंग ऑफ वाटर क्यों जरूरी है? क्योंकि जो डर्टी वाटर होता है उसमें जर्म्स होते हैं। जर्म्स को किल करने के लिए हम बॉयल करके पानी पीना चाहिए या फिर वाटर फिल्टर का यूज करके पानी पीना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं आजकल आपके दुकानों पे इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर भी है, कुछ सिंपल भी वाटर प्योरीफायर भी आए हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सेविंग वाटर। आप सभी जानते हैं कि वाटर को हमें सेव करना चाहिए। इसमें सेव कर सकते हैं कुछ वेसल्स के नाम बताइए, जैसे ड्रम में, बकेट में, टैंक्स में, ठीक है, बॉटल में। क्या बच्चों ये जानते हैं कुछ ऐसे भी इलाके हैं, कुछ सूखे इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ के लोग कैसे वाटर यूज करेंगे? वहाँ के लोग क्या करते हैं कि रेन वाटर जो बारिश होती है उस रेन को वो किसी बड़े से टैंकर बना के उसमें यूज उसमें वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जब उनके पानी की आवश्यकता होती है उसे वो प्योरीफाई कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं। ऐसे हम पढ़ेंगे वाटर इज वेरी यूजफुल एंड वी मस्ट सेव। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें उसके उसके क्या करना बचाना है। तो अगर आपके घर में यही आती है कि कोई टैंक खुला है तो आप उसे बंद करेंगे, ठीक है? आप अगर वॉशिंग क्लास में कपड़े धो लिए आपने जो पानी बचा, आप उसे घर की सफाई कर सकते हैं। आप बर्तन धुल रहे हैं या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स धुल रहे हैं, उन पानी को आप पौधों को दे सकते हैं। आप फ्यूचर टर्चेस में आप देखते हैं कि बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, 1/3 पानी तो हमारा वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है। आप उस वाटर को स्टोर करके प्लांट्स में डाल सकते हैं, इस तरह से आप वाटर को यूज कर सकते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक था वो अभी बॉइलिंग वाटर। आप सब जानते हैं वाटर का यूज ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको वाटर का ही आवश्यकता है। इसलिए वाटर को आप बच्चों क्या करेंगे, सेव करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को एक्सरसाइज करेंगे। इसे आप कैसे भी पढ़िएगा।